ट्रिप अजमेर का है और मैं और मेरा भाई हम दोनों सीधे दिल्ली से अजमेर के लिए हम गए थे। ये साल था सन 2019 और आज ये वीडियो डालने का कारण ये है क्योंकि मुझे अच्छी लगी ये वीडियो क्योंकि अजमेर की है, ख़ास तौर से ख्वाजा गरीब नवाज। सो दैट मैंने ये वीडियो इसलिए अपलोड की है क्योंकि मुझे ख्वाजा गरीब नवाज का वो जो वहाँ पे मैंने जो वीडियो बनाया था वो उसके मेरे पास पार्ट्स थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ। तो मैं और मेरा भाई दोनों अजमेर के लिए गए थे। दिल्ली से हम लोग गए थे, यहाँ से सीधे बस पकड़ी हमने, बस पकड़ के हम जयपुर पहुँचे। जयपुर हम पहुँच गए थे 7 बजे के टाइम पे। वहाँ से फिर 2.5 घंटे का रास्ता था, आई थिंक 58 या 60 किलोमीटर वहाँ से जयपुर से पड़ता है अजमेर, ठीक है। हमें मैंने सोचा कि होटल बुक करना चाहिए, तो मैंने होटल बुक किया। हमने कोई ऑनलाइन नहीं किया था, डायरेक्टली हम ऐसे ही पहुँच गए थे और 500 रुपीज़ में हमने चेक इन किया। और यू नो 12 घंटे का वहाँ पे चेक आउट चेक इन होता है। होटल जो था वो नियर बाई था, दरगाह से आई थिंक 100 मीटर की दूरी पे था, ठीक है, कोई दूरी नहीं थी। हम फिर उसके बाद हम फ्रेश हुए, थोड़ा सोए, फिर फ्रेश होने के बाद हम डायरेक्टली दरगाह पहुँचे। दरगाह पहुँच के हमने चादर पोशी की, फिर वहाँ पे थोड़ा आराम से बैठे, इंजॉय किया वहाँ का जो भी लोकेशन था, काफ़ी अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम था मेरा और मेरा भाई भी काफ़ी खुश था, मैं भी खुश था। और उसके बाद हमने वहाँ पे बहुत सारा तवर्रुक हो रहा था तो हमने उसको भी खाया। और वीडियोस के कुछ पार्ट्स हैं मैंने आपके इसलिए शेयर करना अच्छा लगा क्योंकि अगर आप जाओ तो आपको भी पता होना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं तो यहाँ, अगर दिल्ली से आप जा रहे हो तो यहाँ से झंडे वालान से आपको बस मिल जाएगी। अच्छे कोच है, माजन है, ठीक है, अच्छा है, बेहतर है। मेरे हिसाब है ये कि ट्रेन से ना जाके अगर पहले ही यहाँ से अजमेर जाओ तो बस से जाओ और वहाँ से रिटर्न में यू नो जो बेहतर लगे, या फिर आप जा सकते हैं वहाँ से जो दिल्ली का जामा मस्जिद एरिया, वहाँ से लाल किले के सामने से आपको बस मिल जाएगी। वहाँ से 500 रुपीज़ लगते हैं जयपुर तक के, फिर वहाँ से 100 रुपीज़ आपके अजमेर तक के हैं क्योंकि ये वोल्वो बसें हैं, काफ़ी अच्छी बसें हैं और कंफर्ट है, एसी एकदम हार्ड एसी है। अगर आप गर्मी में जा रहे हैं तो एसी A1 है, अदरवाइज़ यू नो जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने वहाँ पर काफ़ी घूमा और मैं तारागढ़ भी गया। तारागढ़ पे काफ़ी ऊंचाई है, वहाँ पे ऊंचाई कम से कम 3 या 4 किलोमीटर की है। अगर आप पैदल जाएंगे तो काफ़ी पत्थर वाला रास्ता है, और अगर आप आसानी चाहते हैं तो आप वहाँ से 4-व्हीलर भी जाती है, 4-व्हीलर से भी आप वहाँ जा सकते हो ऊपर के लिए। तारागढ़ पे मैंने ये महसूस किया क्योंकि वहाँ पे एकदम नेचुरली हवा है क्योंकि काफ़ी ऊँची है। और तारागढ़ से एक खासियत और है, ख्वाजा गरीब नवाज साहब का जो गुंबद है वो डायरेक्टली क्लियर दिखता है और वहाँ का जो आबादी क्षेत्र है ऑलमोस्ट पूरा ही दिख जाता है जो अजमेर है, ठीक है। वहाँ से आपको तारागढ़ से डायरेक्टली जो एक झील है जिसको सागर है, आना सागर है झील जो कि आपको डायरेक्टली तारागढ़ से नज़र आएगी। जो आना सागर है ना वो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से आई थिंक 1 किलोमीटर की दूरी पे है। आना सागर काफ़ी बड़ा है और उसके सामने हिल भी हैं और वहाँ पे लोग बोटिंग भी करते हैं, तो हमने बोटिंग भी की थी। बहरहाल झील की बात में करता हूँ क्योंकि पहले मैं कर लूँ गुंबद ख्वाजा गरीब नवाज। तो वहाँ से गुंबद ख्वाजा गरीब नवाज सीधा डायरेक्टली दिखता है। मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि अभी एडिट की है, वो सिनेमेटिक टाइप की है, आप उसको देखो।
सो दैट वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक करना ना भूलें।